जैसे वाटिका बन रहा है तो हमारे देश के शहीदों को सम्मान मिल रहा है, तो ऐसे सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा दिल से सलाम। अच्छा, आप अभिनेता के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, काफी एक्टिव रहते हैं आप। देखिए, सम्राट चौधरी ने खुले मन से कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम पार्टी कार्यालय में हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो बिहार में वर्तमान में नई सरकार बनी है वो चिंतित नहीं है देश को लेकर, देश के मुद्दे पर? देखिए क्या है, हम पार्टी के एक नया सिपाही है, बहुत ज्यादा हमको नॉलेज भी नहीं है, सेंस भी नहीं है, और जिस चीज के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है तो उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये है, इतना हम जरूर जानते हैं कि हम जिस फील्ड के सिपाही हैं वहाँ पे अच्छा सोच है, अच्छा काम है, अच्छा विकास है, और आप लोग भी साथ दीजिए कि हम लोग और विकास करें। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े उसके लिए पवन सिंह क्या बिहार सरकार के समक्ष जो है वो बातें रखेंगे, सब्सिडी की बातें? बिल्कुल, हम भैया लोगों से बात करब कि हमारे जौन हमारा हमके हम लोगों को, हम कलाकारों को जो यूपी में सुविधा मिल रहा है, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वो सुविधा बिहार में भी हो। काहे कि भोजपुरी, भोजपुर जिला हमारा घर है, तो भोजपुरी भाषा के फिल्म में मतलब फिल्मों में गानों में हर जगह मतलब अपना फिल्म सिटी बने, सम्मान मिले। आरा लोकसभा सीट से क्या चुनाव लड़िएगा 2024 में? बीइंग अ यूथ, क्योंकि युवाओं को बढ़ाने की बात हर पार्टी करती है, बीजेपी भी करती है। देखिए क्या है, हम पार्टी के सिपाही हैं, अजौन ऊपर से आगे से आते।